अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्लला व मन युज़लिल फला हादियला व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। रब्बि इशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उग़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुशूसन नबी मुकर्रम रहमतुल्लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौज़ूद सामईन इकराम, आज इंशाअल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 65-65 से क्लास रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान मुकद्दस को समझने, उस पर गौर फिक्र करने, उस पर ईमान लाने और इखलास के साथ अमल करके लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। ए अल्लाह, तू शैतान के मकर फरेब से हमें बचा ले कि वो तेरे दीन से हमें दूर कर दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। इस अजीम काम को हम अल्लाह सुभान व तआला के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। लफ्ज़ी तर्जुमे के ऊपर गौर करें। वलव, और अगर, अन्ना, बेशक हम, कतबना, लिख देते, फ़र्ज कर देते, अलैहिम उन पर, अनिक्तुलू, कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी नफ्स को। यानी हम सब को ये खिताब है और क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान को, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर। और जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले हैं और जो लोग इताअत ना करने वाले हैं, उनके ताल्लुक से एक पहचान बताई गई कि जिन लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों में अल्लाह के नबी की इताअत नहीं की, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत नहीं की, तो वो अल्लाह के हुक्म से या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से क्या अपने आप को कत्ल करेंगे और क्या अपने घरों से निकलेंगे। जैसे बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि तुम्हारे गुनाह उस वक्त माफ़ किए जाएंगे कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, तो ये बड़ी कुर्बानी कैसे देंगे? और ये बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते। जो ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े को रसूल अल्लाह का तरीक़ा ना बनाए, वो घर से निकल जाना या अपने आप को कत्ल करवा लेना, ये बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, वलो, और अगर, अन्ना, बेशक हम, कतब ना, लिख देते हम, यानी फ़र्ज कर देते उनके ऊपर, अलैहिम उन पर, अनिक्तुलू, कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी नफ्स को, निकल जाओ, इखराज करो, अविखरुजू, निकल जाओ, मिन दियारहिम, अपने दियार से, अपने घरों से, मा ना, फालू हो, वो करते इसे, मतलब वो ये काम नहीं कर सकते थे, इन ना, मगर, कलीलुम, मिनहुम, थोड़े, कलील यानी थोड़े, मिनहुम उनमें से, तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, उनमें से थोड़े लोग इस पर जम पाते। वलो, और अगर, अन्नाहुम, बेशक वो, फालू, करते, मा, जो, यू अजूना, वो नसीहत किए जाते हैं, मतलब जो उनको नसीहत की जाती है अगर वो ऐसा करते, बेही जिसकी, लकाना, अलबत्ता होता, खैरुल लहुम, बेहतर उनके लिए, व अशद्दा, और ज़्यादा शदीद, तस्बीता, साबित कदमी के, अगर वो इताअत कर लेते तो उनके लिए, उनके दीन में साबित कदमी के लिए, इस्तेकामत के लिए, ठहराव के लिए, ये बहुत ऊंचा कदम था। व इज़ा, और तब, लआतैनाहुम, अलबत्ता देते हम उन्हें, मिन लदुन्ना, अपने पास से, अजरन, अज्र, अजीमा, बहुत बड़ा, और अगर वो ठहर जाते दीन के ऊपर तो हम उन्हें एक बड़ा अज्र अजीम अता करते, यानी जन्नत। वला हदैनाहुम, और अलबत्ता हिदायत देते हम उन्हें, देखें हिदायत का हकदार कौन होता है, अगर वो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल करते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादा करता है, वला हदैनाहुम, और अलबत्ता हिदायत देते हम उन्हें, सिरातम मुस्तकीमा, रास्ते सीधे की, यही सिरात मुस्तकीम की हम हर नमाज के अंदर दुआ मांगते हैं। तो ये सिरात मुस्तकीम अल्लाह किसको देता, अल्लाह उसको ज़रूर देता
जो अल्लाह की और अल्लाह के नबी की इताअत करते। वमई युति इल्लाहा वमई, और जो कोई युति इल्लाहा इताअत करेगा अल्लाह की, व रसूला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फउलाइका तो यही लोग हैं, मअल्लज़ीना साथ होंगे उन लोगों के जो इताअत करेंगे अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की, वो उनके साथ होंगे, अनअमल्लाहु इनाम किया अल्लाह ने, अलैहिम जिन पर, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रास्ते पर उसे चलाएगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, अलैहिम जिन पर, मिनन नबीना जिन पर नबीन में से, वसिद्दीकीना और सिद्दीक, व शहदाई और शहदा शहादत देने वाले भी और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान करने वाले, व सालेहीना और सालेहीन में से, वह सुना और कितने अच्छे हैं, उलाइका ये लोग, रफीका बतौर साथी के, ये कितनी अच्छी कंपनी है, नबीन जिसमें हो, जिसमें सिद्दीकीन हो, शहदा हो, सालेहीन हो, ये उनको मिलेगा इनका साथ, इनकी कंपनी, जो अल्लाह की और अल्लाह के नबी की इताअत करेंगे अपनी जिंदगी के हर शोबे के अंदर। ज़ालिका ये, ज़ालिकल फौजुल फजल है, मिनल्लाही अल्लाह के तरफ से, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह अलीमा बहुत इल्म वारा। आयत तफसीर की तरफ, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत की अहमियत के ताल्लुक और उसके फजाइल और इताअत ना करने का अंजाम भी, आज हम देखेंगे कि जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर जम जाएगा उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के साथ कैसा अजीम इनाम अता फरमाए, जन्नत तो दे गई लेकिन जन्नत के साथ एक अजीम इनाम भी दे, और क्या वजह, क्या चीज रुकावट बनती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में, आज वो भी हम समझेंगे। और आज की क्लास में जो अहम नुक्ता है कि इंसान की पहचान बताई गई कि जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं वो दावों में अगर वो अल्लाह की इताअत और अल्लाह के नबी की इताअत नहीं करते अपनी जिंदगी के मामलात के अंदर, इबादात के अंदर, अखलाकियात के अंदर, मुआशरे के अंदर, तिजारत के अंदर, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के नबी की इताअत नहीं करते और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम तो घर छोड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये दावे में झूठे हैं। कितनी बड़ी पहचान अल्लाह सुबहानहु ताला ने करा, इंसान अगर वाकई हम कुरान को सल्फ की मुफस्सिरीन की तफसीर की रोशनी में, सहाबा इकराम और उनके बाद जिन्होंने अच्छी तरह उनकी इत्तबा की उनकी रोशनी में अगर तफसीर को हम पढ़ें, कुरान की आयतों को समझें, तो हमें इंसान की पहचान हो जाए, जहाँ पे और भी कई इल्म हमें हासिल होते हैं, कई नेमतें हमें मिलती है, कई नसीहतें और वसीयतें हमें मिलती है, वहाँ पर एक अजीमशान नेमत ये भी मिलती है कि इंसान कुछ जुबान खोलेगा और हम उसे तोड़ लेंगे, हम उसे पहचान लेंगे उसकी चाल से, उसकी जुबान से, उसके आवभाव से, उसकी बात से, उसके सवाल से भी हम उसको पहचान लेंगे। ऐसा कलाम अल्लाह सुबहानहु ताला ने अता फरमाया, लेकिन अफसोस कि उम्मत उसी के से सबसे ज्यादा पीछे। आए देखते हैं तफसीर। तो पिछली आयतों में हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी को हर किसी की इताअत और फरमाबरदारी से ऊंचे ऊपर रखने के ताल्लुक से पढ़ा था कि मोमिन वो है, और अल्लाह सुबहान ताला ने अपने जात की कसम खा करके फरमाया कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने तमाम आपस के इख्तलाफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ ना मान ले, फैसला करने वाला ना मान ले, और जो फैसला आप कर दें उस फैसले के अंदर उसके दिल के अंदर कोई कजी और कमी भी ना रहे, कोई डाउट्स भी ना रहे, उसे वो कमतर भी ना समझे, और ऐलान कर दे और अमल कर ले, ये लोग हैं मोमिन। ये तीन सिफात जिनके अंदर हो। आज की आयत में हम देखेंगे अल्लाह फरमाता है वलौ अन्ना कतबना, कतबना अल्लाह ने लिख दिया या अल्लाह ने फर्ज कर दिया, जैसे तर्जुमा देखते हैं, और अगर बेशक हम उन पर फर्ज कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल करो या तुम अपने घरों से निकलो तो उनमें से चंद एक के सिवा कोई भी ये काम ना करता, यानी जो दुनिया के छोटे छोटे मामलात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं, रसूल अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें हुक्म दे दे कि अपने आप को कत्ल कर लो। जैसे बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था कि मैं उस वक्त तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा जब तुम अपने आप को कत्ल करो, क्योंकि शिर्क किया था उन्होंने, बछड़े को माबूद बनाया था, तो शिर्क का उस शरीयत के अंदर उस वक्त के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कफारा ये रखा था कि शिर्क का कफारा ये होगा कि जिसने
शिर्क किया है और जिसने रोका था वो एक दूसरे को कत्ल कर। तो ऐसा कोई हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दे कि निकलो मैदान कारजार में, या ये कहे कि निकल जाओ अपने घरों से, हिजरत करो दीन के लिए, तो ये घर के मामलात के अंदर, मुआशरे के मामलात के अंदर, इबादात के मामलात के अंदर, इबादात के अंदर, वहाँ तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं कर रहे हैं। ये तो छोटी चीज़ है इसके सामने, मौत के सामने, घर को छोड़ने के सामने, ये तो छोटी चीज़ है। इसमें वो अपने बड़ों को तरजीह दे रहे हैं, इसमें वो अपने नफ्स को तरजीह दे रहे हैं, इसमें वो अपने दोस्त अहबाब को तरजीह दे रहे हैं, इसमें वो अपने बाप दादा को तरजीह दे रहे हैं, इसमें वो अपने खानदान और कबीले को तरजीह दे रहे हैं। तो ये क्या खाक निकलेंगे घर से? घर का छोड़ना तो ये बड़ा अमल है। तो जो शख्स ऐसे दावे कर रहा है कि मैं तो इस्लाम के लिए ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, प्लानिंग बता रहा है और सुन्नतों की पाबंदी उसके अंदर नहीं है, अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ अमल कर रहा है, तो हम ये समझ जाएं कि ये झूठा शख्स है, अल्लाह सुभान व तआला ने यहाँ। और फिर सहाबा इकराम के मकाम और मर्तबे को बताया कि चंद एक के सिवा कोई भी ये काम नहीं करेगा। ये मुनाफिक के बस की बात नहीं है कि अल्लाह के हुक्म पे अपनी गर्दन को पेश कर दे, अल्लाह के हुक्म के लिए अपने घर बार को छोड़ दे, ये तो मोमिन की शान है। तो ये सहाबा की शान बताई कि चंद एक। इससे एक और मसला पता चला, जैसे कि हम इसके पहले भी मैं बताया था कि अक्सरियत गुमराह होती है। अल्लाह ने इस बात को 16 मकाम पर बयान फरमाया, और भी मकाम पे होगा लेकिन मैंने 16 मकाम पर देखा। उसमें से एक मकाम ये कि उस हुक्म को चंद लोग ही मानेंगे, यानी कम लोग मानेंगे, यानी कम लोग ही हक पर होते हैं, कम लोग ही अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर होते हैं। और एक वो मशहूर हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस, कि आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा कि 1000 में से एक को निकालो, तो भी हम देख सकते हैं कि 1000 में से एक जन्नत के लिए निकलने वाले हैं, यानी कम लोग हैं जो जन्नत वाले। तो हम अपना भी जायजा लें कि हमारे आमाल क्या ऐसे हैं कि हम 1000 में से चुन लिए जाएं। आयत को फिर से देखें, और अगर बेशक हम उन पर फर्ज कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल कर दिया करो या तुम अपने घरों से निकलो, तो उनमें से चंद एक के सिवा कोई भी ये काम न कर, और अगर बेशक वो मान लेते अल्लाह के हुक्म को, वो मान लेते नबी के फरमान को, मान लेते अपनी जिंदगी के हर हिस्से के अंदर, वो अमल करने के पहले देखते कि इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है। और वैसे भी अमल कबूल ही नहीं होता उस वक्त तक जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की, आपके हुक्म की, आपकी सुन्नत की मोहर न लग जाए, वो अमल कबूल भी नहीं। तो ये इतने लापरवाह हैं दीन के ताल्लुक से, आखरत के ताल्लुक से, कि इन्हें कोई होश नहीं कि हमारे अमल के अंदर अमल के कबूलियत के शराइत हैं या नहीं। जो नोट हम मार्केट के अंदर लेकर के जा रहे हैं, उस करेंसी में उस नोट के अंदर चलने की के शराइत हैं या नहीं, उसमें गवर्नर की सिग्नेचर है या नहीं, वो गवर्नमेंट ने उसको छापा है या नहीं, रिजर्व बैंक ने, गवर्नमेंट ने उसको पास किया है या नहीं। अगर ऐसी लापरवाही से हम लेकर के किसी नोट को चले जाएं और उसके अंदर वो शराइत ना हुए, तो 400 BC की धारा लगेगी, मार अलग पड़ेगी। हम कोई ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में लेकर के जाए जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की मोहर नहीं, जिसमें इखलास नहीं, जिसमें तौहीद नहीं, ईमान नहीं, वो अमल नहीं चलने वाला, वो अमल मर्दूद कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। कई दलाइल इसके मैं इसके पहले दे चुका हूं। अगर वो ऐसा करते, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाया, और अगर बेशक वो मान लेते जिसकी उन्हें नसीहत की गई, तो पिछली आयतों में किस चीज की नसीहत की गई, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के नबी की। अगर वो मान लेते, इताअत करने लगते, तो उसका एक जबरदस्त फायदा यहां बताया गया, तो ये उनके लिए बेहतर और दीन में ज्यादा साबित कदमी का बायस होता। साबित कदमी, ठहराव, ये बहुत बड़ी नेमत है। और ये किसको नसीब होती कि अगर वो इस नसीहत को मान लेते, यानी अपने जिंदगी के हर हिस्से के अंदर वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते, तो उन्हें साबित कदमी नसीब की। साबित कदमी की कीमत को समझते हैं। इल्म का हासिल करना बहुत ऊंचा अमल है, लेकिन इल्म से भी ज्यादा ऊंची चीज, इल्म से भी ज्यादा कीमती चीज, वो है उस इल्म पर अमल करना। और अमल से भी ज्यादा कीमती चीज क्या है? अमल से ज्यादा कीमती चीज है उसके अंदर साबित कदमी, उसके अंदर इस्तेकामत, उसके अंदर ठहराव। कभी कभी किए वाले अमल को अल्लाह पसंद नहीं करता कि रमजान टू रमजान इबादत कर रहे हैं, अल्लाह उस अमल को पसंद करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ा ही हो लेकिन कंटिन्यू हो। तो ये इस्तेकामत, ये इस्तेकामत उस शख्स को नसीब करता है अल्लाह सुब्हान व तआला, जो अपनी हर चीज के अंदर कोशिश करता है कि देखिए काम तो करना ही है भाई, खाना खाना ही, तो क्यों ना हम उसको सुन्नत तरीके से, सोना है, पानी पीना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, कारोबार करना है, कपड़े पहनना है, सोचना है, बोलना है, तो उस अमल को थोड़ा सा हम गौर कर लें,
कि इसमें रसूल अल्लाह की क्या सुन्नत है, तो दुनिया में उसका फायदा जरूर मिलेगा। हर सुन्नत के अंदर दुनिया भी फायदा जरूर छुपा, तो दुनिया भी फायदा हासिल हो जाएगा और वो इबादत बन जाएगी वो अमल। और अगर उसके अलावा किसी और शरीयत के ऊपर, किसी और दीन के ऊपर अमल करते हैं तो उसको तागूत का, कि वो शैतानी अमल है। तो या तो सुन्नत होगी या सुन्नत की मुखालफत होगी, या तो बैठ करके हम खाना खाएंगे या चलते हुए खड़े होकर के खाएंगे। तो जो भी हम अमल कर रहे हैं या तो सुन्नत की मुखालफत है या सुन्नत की मुआफ़िकत है। तो जो सुन्नत के हिसाब से करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तो उनके लिए बेहतर और दीन में ज्यादा साबित कदमी का बाइस होता। नेकी जो हम करते हैं वो नेकी नेकी को दावत देती है, नेकी नेकी का दरवाजा खोलती है। और जब बंदा बदी करता है, गुनाह करता है, तो दूसरा गुनाह का दरवाजा भी खुलता है। हम सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे, नेकी पर अमल करना शुरू करेंगे, तो नेकियां करना हमारे लिए आसान होगी। जैसे जब कोई बंदा गुनाह करता है तो एक स्याह नुक्ता उसके दिल पे लगा दिया जाता है, अब फिर वो बदी करता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, वो स्याह नुक्ता बढ़ता चला जाता है और आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो जंग आलूद हो जाता है और वो ऐसा हो जाता है कि उस फिर नसीहतें वसीयतें उसके ऊपर असर नहीं करते। एक और चीज गौर करने की कि वो कौन सी चीज है जो इंसान के कदमों को जमने से रोक देती है, यानी सुन्नत पर, शरीयत पर जमने से रोक देने वाली वो कौन सी चीज, इंसान को कौन सी चीज कमजोर करती है। वो दो चीज, एक है शुबहात और एक है शहवात। यही तकवे के अंदर भी बताया गया था कि जब साहबा ने कहा कि तकवा ये है कि दोनों तरफ खारदार झाड़ी है और अपने दामन को बचाते बचाते निकल जाना, तो एक तरफ शुबहात है और दूसरे तरफ शहवात है, ये कांटे लगे हुए, और शैतान इसी के जरिए से हमें उलझाता है, कभी शुबहात में डाल करके, कभी शहवात में डालकर। शुबहात क्या है? शक। सबसे पहला काम शैतान का जो वार होता है वो शक होता है, अल्लाह के ऊपर शक पैदा करवाता है, अल्लाह की सिफात के ऊपर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के ऊपर शक, या कोई हदीस जैसे मैंने आपको बताया उसमें शक। अब शक हो गया तो अमल कमजोर हो गया, अमल के अंदर मजबूती उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक वो अमल शक से खाली ना हो, वो इल्म शक से खाली ना हो, शक से खाली ना हो, वो अमल शक से। तो ये शुबहात ये खतरनाक बीमारी, और दूसरा शहवात, शहवात यानी ख्वाहिशात, डिजायर्स। तो ये अलग अलग ख्वाहिशात भी होती हैं, जैसे किसी की ख्वाहिश है कि उसे अच्छा खाना खाना, किसी की ख्वाहिश है अच्छा पहनना, किसी की घूमने की ख्वाहिश, किसी की जो है दिन रात मोबाइल देखने की या उसके अंदर कोई चीज देखने की ख्वाहिश। तो ये ख्वाहिश जब हावी हो जाती है तो इंसान इन ख्वाहिश के आगे कमजोर पड़ जाता है और फिर वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से पीछे। हर किसी के शहवात अलग अलग होती है, हो सकती है किसी की कोई ख्वाहिश है और वो उसको कमजोर बना रही है इस्लाम पर अमल करने या 100% अमल करने, कोई एक ख्वाहिश है जैसे। और हम अपनी जिंदगी के अंदर देख सकते हैं दो चार चीजें ऐसी होती हैं कि सुबह फजर की नमाज नहीं हो रही वक्त पर, क्यों? क्योंकि वो शहवात, वो ख्वाहिश गालिब है, वो सुबह नहीं उठने दे रही। किसी को किसी चीज की लत है, हराम चीज की, वो उसको छोड़ नहीं रहा। अब आप समझ गए, शुबहात और शहवात ये हमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर जमने से रोकती है। इसका इलाज भी है। क्या है इलाज इसका? इसका इलाज शक का इलाज इल्म। जैसे मैंने आपको कोई हदीस बताया और आप उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो शैतान ने शक डाल दिया, शुबहात डाल दिया, पता नहीं है क्या बता रहे हैं, अभी तक तो हमने सुना नहीं था, इन्हीं को समझ में आ गई हदीस। तो इसका इलाज क्या? इल्म। फौरन जाएं, जो हदीस नंबर बताया गया खोल के देख लें उसको। अब जैसे ही खोल करके आपने किताब के अंदर देखा, और आज तो हजरत गूगल भी है, उसमें देख लें या कहीं और से, जैसे ही आप उसको देखेंगे वो शक खत्म। इल्म जो है वो शक को खत्म कर देता, रोशनी अंधेरे को खत्म कर देता। तो ये तो हुआ शुबहात का इलाज इल्म। और शहवात का इलाज, शहवात का इलाज है इरादा और अज्म, इरादा और अज्म। आप इरादा कर लें, अज्म कर लें कि हाँ मुझे ये काम करना है, अब मेरा खानदान नाराज हो जाए, क्योंकि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज नहीं कर सकता, अब मेरी नफ्स के ऊपर वार पड़े, मेरे दोस्त नाराज हो जाए, मेरा मुआशरा इसके खिलाफ हो जाए, मैं लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा, ये अज्म करें, इरादा करें, तो इंशाल्लाह ताला इससे लड़ पाएंगे। अल्लाह से तौफीक भी मांगे। आए इस आयत को फिर से देखते हैं। और अगर बेशक वो मान लेते जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है तो ये उनके लिए बेहतर और दीन में ज्यादा साबित कदमी का बाइस हो, और तब हम जरूर उन्हें अपने तरफ से बहुत बड़ा अज्र देते। इसका अज्र अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बड़ा देता है, यानी दुनिया और आखिरत दोनों में इसका अज्र उनको मिलता है। और एक अजीम नेमत अल्लाह ने और बयान फरमाई, और हम जरूर उन्हें सीधे रास्ते पर चला देते। वला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, सिरात मुस्तकीम की हम दुआ करते हैं अल्लाह कि अल्लाह हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमा दिया है और हम जरूर उन्हें हिदायत देते सिरात मुस्तकीम। तो सिरात मुस्तकीम जो हम नमाज के अंदर मांग रहे हैं वो मिलने की कंडीशन बता दी कि वो उस वक्त मिलेगी जब तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे, अपने नफ्स की बात, अपने खानदान, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त की बात अगर मुखालिफत में भी जा रही है, अपने माँ बाप की बात अगर मुखालिफत में भी जा रही है तो उसे छोड़ दो। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, वो हिदायत सिरात लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। और इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस में किया, किसको इनाम दिया, वो आगे आयत में बताया जा रहा। और उसके लिए फिर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शर्त को फिर से रिपीट किया है, जबकि बात वही चल रही है लेकिन फिर से उसका जो है रिपीट करके, फिर से उसको बयान करके वो है कि फिर से हमको याद दिला दिया। वमन युति अल्लाह व रसूला, और जिसने इताअत की अल्लाह की और उसके रसूल की, तो वो ऐसे लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अनअमल्लाहु अलैहि, ये उनके साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। यही दुआ हम करते हैं और हर नमाज के अंदर हाथ को बांध करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर को झुका करके अदब और एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहते हैं इहदिनस सिरात अल-मुस्तकीम, ए खालिक कायनात मुझे सिरात मुस्तकीम हिदायत दे दे, सिरात मुस्तकीम की, सिरात अल-लज़ीन अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया। तो इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस पे किया और किन को ये रास्ता मिलेगा, जो ईमान लाएंगे और अमल साले। तो जिन्होंने ईमान लाए और अमल साले किया, फाउलाइका मअल लज़ीन अनअमल्लाहु अलैहिम, और वो ऐसे लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। ऐसे लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको रखेगा, जैसे आप भी दूसरे मकाम पर देखा कि अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, तो जन्नत का वादा किया। 100 मकाम पर ये आयत मुबारका कुरान के अंदर आई, दो काम करने का, ईमान लाओ और अमल साले करो। लेकिन यहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कर लेते हो ईमान की हालत, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उनके साथ जगह अता फरमाएगा, तुमको उनकी कंपनी देगा जो जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया। तो अल्लाह ने इनाम किस पे किया, मिनन नबीना, नबी पर ईमान इनाम किया। रसूल और नबी का हम फर्क इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। रसूल जिनके ऊपर रिसालत, जिनके ऊपर किताब, जिनके ऊपर कानून, जिनके ऊपर किताब नाजिल होती है और जो उस शरीयत को नाफिस कर, नबी रसूल की शरीयत को अमल करते और अमल करवाते हैं। रसूल नबी भी होते हैं और रसूल भी होते हैं, लेकिन नबी सिर्फ नबी होते हैं, यानी पिछले नबी की शरीयत को फॉलो करते हैं और फॉलो करवाते हैं। तो मिनन नबीना, वो नबीन के साथ होंगे, सिद्दीकीना और सिद्दीक के साथ होंगे। ये नबी के बाद मकाम है सिद्दीक का। सिद्दीक वो जो सच लाए और सच की तस्दीक करे, जो सच्चाई का नमूना हो, यानी सच क्या है, अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान, फौरन उसे तस्लीम, सर तस्लीम खम कर, ये है वो सिद्दीक। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब नबी मुकर्रम खाने काबा में हतीम के पास बैठे हुए थे और अबू जहल आता है और कहता है आज क्या है नया, यानी जब नबी मुकर्रम कुरान नाजिल होता था आपके ऊपर और आप उसको सुनाते थे, यानी मक्का वालों को सुनाते थे, तो ये बदतमीजी करता हुआ कहता है आज क्या है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मेराज कराई। मेराज? हाँ, मैं मस्जिद अक्सा गया पहले और फिर वहां से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ बुर्राक पर बैठ करके पहला आसमान दूसरा आसमान पूरी बात सुना, लोगों को इकट्ठा किया, आओ आओ सुनो नई बात सुनो। ऐसा हो सकता है, हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है, लौट रहा है और फिर इस बात को लेकर के खुशी खुशी पहुंचता है। अबू बकर मिलते हैं, कहता है अबू बकर ये तो बताओ कि कोई अगर ये कहे कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया और वहां से एक आसमान पर दूसरे आसमान में सातों आसमान, इस आदमी के बारे में तुम क्या कहे। अबू बकर कहते हैं झूठ, खुश हो गया कि एक विकेट तो गिरा, एक को तो मैंने गुमराह कर दिया। अब अबू जहल कहता है यही कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक फौरन कहते हैं कि फिर ये बात सच्ची, फौरन जब हम इस बात पर ईमान ले आए कि जिब्राइल दिन में कई बार हुक्म लेकर के आते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, इनको ले जाने वाला कौन है, अल्लाह सुब्हान व तआला, और अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन और कोई चीज मुश्किल नहीं। हम इसी बात पर तो ईमान लाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो सच है। आपको लकब दिया गया सिद्दीक, अल्लाह के कलाम और नबी के फरमान पर मिन वान फौरी तौर पर समय नवातान सुना और इताअत कर। तो ये नबी के साथ होगा, सिद्दीकों के साथ होगा, जो अंबिया के बाद दूसरा मकाम। फिर तीसरा व शहदा, और शहीदों के साथ होगा। शाहिद किसको कहते हैं, गवाह। यहाँ शाहिद के दोनों माने हैं, एक तो गवाह और दूसरा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो। तो शाहिद कौन है, शाहिद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आले इमरान में ये आयत जा चुकी है कि शहादत वो देंगे, शहादत देंगे ना हम लोग अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत के ताल्लुक से, तो
तो शहादत इल्म वाले देते, उलमा, तो ये इल्म वालों के साथ होंगे, शहादत देने वालों के साथ होंगे और शहीदों के साथ होंगे जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के हुक्म के सामने, अल्लाह की मर्जी के सामने कुर्बान कर। वस्सालिहीन, और नेकुकारों के साथ, ये जो विलायत के दर्जे पर हैं, जो ईमान वाले हैं उनके साथ हो। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया वहसुना उलाइका रफीका, और ये लोग कितने अच्छे रफीक हैं, साथी हैं, कितनी अच्छी कंपनी है, कितने अच्छे लोग हैं जिनके साथ अल्लाह सुब्हान तआला इनको जन्नत में रखे। तो यहाँ सिर्फ जन्नत का वादा नहीं, जन्नत में कीमती लोगों के साथ का वादा। इस आयत का शान नुज़ूल देखते हैं, तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 133। सबब नुज़ूल, इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह सईद बिन जुबैर की रिवायत को बयान किया है कि अंसार में से एक शख्स, देखिए अंसारी सहाबी और मुहाजरीन ये कितने कीमती सहाबी हैं, हम सब जानते हैं कि इन्होंने दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर, अल्लाह की, अल्लाह के नबी की मोहब्बत इनके ऊपर गालिब थी, हर चीज की मोहब्बत। मुहाजरीन सब कुछ छोड़ करके आ गए, अपना घर बार, खेती कारोबार, और बाज़ लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भी जिन्होंने इनकार किया, और जो लोग आए थे और उनको जिन्होंने वेलकम किया वह है अंसार, जिन्होंने उनकी मदद की, मदद करने वाले को अंसार कहते, और मदद भी ऐसे की कि तुम्हारा हमारे घर के अंदर भी हिस्सा है। बाज़ साहबी ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे कारोबार में से आधा मैं तुम्हें देता हूँ, आधा घर में से मैं तुम्हें देता हूँ, दो बीवी है, एक को मैं, तुम जिसको कहोगे उसे तलाक देता हूँ, उसे तुम। ऐसी मिसाल मिल सकती ईसार और कुर्बानी की दीन के लिए। तो अंसारी साहबी, अब आप सोच सकते हैं कि कैसी मोहब्बत होगी अल्लाह के रसूल से, अल्लाह से, अल्लाह के दीन के लिए, कि दीन के लिए सब कुछ कुर्बान है। तो ये अंसारी साहबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, हाजिर हुए, और उस वक्त वो बहुत मायूस और गमजदा थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मायूस चेहरे को देखा, गमजदा चेहरे को देखा और कहा, फरमाया कि क्या बात है, तुम गमजदा नजर आते हो। रसूल अल्लाह तो चेहरे के पहचानने में, अल्लाहु अकबर, रसूल तो आपने आपके चेहरे को देख करके पहचान लिया, क्या बात है, तुम बहुत गमजदा नजर आ रहे, परेशान नजर आ रहे। उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक चीज के बारे में सोचता हूँ। आपने फरमाया, वो क्या चीज है जिसने तुझे गमजदा कर दी, किस चीज के बारे में तू सोचता है। उसने अर्ज किया, हम सुबह शाम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, आपके चेहरे अकदस का दीदार करते हैं, और आपकी हम नशीनी का शर्फ हासिल करते हैं, यानी आपकी कुर्बत का, आपके पास बैठने का शर्फ हासिल करते हैं। यानी दिन में जब मैं बेकरार हो जाता हूँ घर के काम करते करते, मुझे आपकी याद आती है और मैं बेचैन हो जाता हूँ, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आकर के आपके चेहरे का दीदार कर लेता हूँ, सुकून मिल जाता है, आपकी कुर्बत हासिल कर लेता हूँ, आपके पास बैठ जाता हूँ, कुर्बत हासिल, सुकून मिल जाता है। लेकिन इस बात ने मुझे परेशान कर दिया, गमजदा कर दिया कि मुझे और आपको वफात आनी है, वफात होनी है, आप अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ ऊंचे मकाम पर चले जाएंगे, आप ऊंचे मकाम पर होंगे, और मुझे अगर जन्नत भी मिली तो मैं नीचे मकाम पर, मुझे आपकी याद आएगी या रसूल अल्लाह, मैं आपका दीदार कैसे कर पाऊँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर सुकून इख्तियार किया, मतलब खामोश रहे थोड़ी देर, और कोई जवाब ना दिया, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए इस आयत करीमा को लेकर कि जो अल्लाह की और अल्लाह के नबी की इताअत करेगा वो नबीन के साथ होगा, नबी के साथ रहना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शर्त लगाई कि अपने सारे कामों के अंदर, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, जक़ात हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, लेन देन हो, सब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की इताअत और फरमानबरदारी करो, तो वो नबीन के साथ होंगे, सिद्दीकीन, शहदा और सालिहीन के साथ। तफसीर इब्न कसीर ने इसको नकल किया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 135, और तफसीर अल तबरी के हवाले से जिल्द नंबर 5 तफसीर अल तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 225। एक और हदीस देखते हैं इसी ताल्लुक से, इसी के शाय नुज़ूल के, इस तरह का वाकया मरफू भी मरवी है, मरफू हदीस वो जिसकी सनद सहाबा तक जाकर के रुकी है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान किया करती हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं, अपने अहल व आयाल यानी अपने बीवी और बच्चों से भी ज्यादा अजीज हैं, और अपनी औलाद से भी ज्यादा अजीज, मैं अपने घर में होता हूँ और आपको याद करता हूँ तो सब्र नहीं कर सकता, हत्ता कि आपकी खिदमत अकदस में हाजिर हो जाता हूँ और आपका दीदार कर लेता हूँ। मतलब मैं घर में कोई काम करते रहता हूँ, आपकी याद आती है तो मैं सब्र नहीं कर पाता, मैं रुक नहीं पाता और आपके दीदार के लिए फौरन हाजिर हो, लेकिन अब अपने और आपके वफात को याद करता हूँ तो मुझे मालूम है कि आप ऊँचे मकाम पर होंगे तब नबी मुकरम, और मैं नीचे मकाम, अगर मैं जन्नत में भी गया तो नीचे मकाम पर होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुन करके आप खामोश रहे, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस आयत करीमा को लेकर के नाज़िल हुए। एक और हदीस देखते हैं, सही मुस्लिम में
यह हदीस है, रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह से मरवी है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात बसर करता था और आपके लिए वुज़ू का पानी और दिगर ज़रूरियात का अहतमाम करता था। एक दिन आपने फरमाया, यानी रसूल अल्लाह की मोहब्बत देखें कि रात भर जाग रहे हैं कि रसूल अल्लाह कभी उठ जाए तो मैं वुज़ू के लिए पानी दे दूँ, आपको मिसवाक की ज़रूरत होगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँ। तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ मांगो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दरख्वास्त यह है कि मुझे जन्नत में आपकी रफाकत नसीब। दुनिया नहीं मांग रहा और ना ही जन्नत, जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए। आपने फरमाया, कोई और सवाल कर। तो मैंने अर्ज़ किया कि और कुछ भी नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तो आपने फरमाया, फिर कसरत सुजूद के साथ अपने बारे में मेरी मदद, यानी सुजूद का, सजदों का अहतमाम कर। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 489। यानी अमल की आपने तरगीब दिलाई, और इसके पहले की भी आयत हमें अमल की तरगीब दिला। ख्वाहिशात से, आरजुओं और तमन्नाओं से नहीं होगा, उसके लिए अमल करना हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी। एक और हदीस देखते हैं, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह की वहदानियत की गवाही कि उसके अलावा न रुबूबियत में, उलूहियत में, असमाउल हुस्ना में किसी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई इबादत नहीं, और आप अल्लाह के रसूल हैं, तौहीद की भी गवाही, रिसालत की भी गवाही, नमाज पंचगाना का अहतमाम करता हूँ, अपने माल की ज़कात देता हूँ और माह रमज़ान के रोज़े भी रखता हूँ। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे इस हालत में मौत आए तो क़यामत के दिन उसे अंबिया सिद्दीकीन और शहदा कि इस तरह रफाकत हासिल होगी, यानी कुर्बत हासिल होगी, करीबी हासिल होगी, कंपनी मिलेगी। और इस मौके पर आपने अपने दोनों उंगलियों को उठाकर इशारा किया, मतलब दो उंगलियों का इशारा करके बताया। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 135। एक और हदीस देखते हैं, ये मुतवातिर सनद के साथ सहाबा इकराम की बड़ी जमात ने इसको बयान किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शख्स के बारे में पूछा गया जो कुछ लोगों से मोहब्बत तो करता है लेकिन अभी तक वो उन जैसे आमाल करके उनसे मिला नहीं होता, मतलब मोहब्बत तो सच्ची है लेकिन वैसे आमाल करके अभी उन तक नहीं पहुंचा। तो आपने फरमाया, उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करे, वो शख्स उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हमें किसी और चीज़ से इस कदर खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इस हदीस को सुनने से, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा सच्ची मोहब्बत करते, तो इस वजह से उन्हें खुशी हुई कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उनके साथ हों, और मोहब्बत का तकाजा पूरा करके दिखाया। और मोहब्बत का तकाजा क्या है कि मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत उस वक्त होगी जब उसके अंदर इताअत होगी। तो सहाबा इकराम ने इताअत करके साबित किया, आपके हुक्म को फॉलो करके साबित किया कि वाकई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, क्योंकि जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए अमल करना उसके लिए आसान होता है और उसके लिए अमल करने में खुशी भी महसूस होती है, मोहब्बत के साथ करता है। और अगर हमारा सिर्फ दावा है कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, नाम आ गया, खूब झूम रहे नारे, और जैसी हुक्म आया, और हुक्म क्या, आपकी शरीयत तक को जानने की हमारे अंदर जस्तजू और कोशिश नहीं, रसूल अल्लाह की सीरत को जानने की हमारे अंदर कोई जस्तजू और कोशिश, फिर ये कैसी है? आयत नंबर 70 तक, आज 69 हुई, आज 70 देखते हैं। ये अल्लाह के तरफ से फजल है और अल्लाह काफ़ी है जानने वाला, यानी ये अल्लाह के तरफ से फजल होगा कि तुम अल्लाह की और अल्लाह के नबी की इताअत करोगे तो तुम्हें इतना ऊंचा मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत कि नबी सिद्दीकीन शहदा और सालिहीन के साथ रखे, ये अल्लाह के तरफ से फजल है और अल्लाह के फजल से ही बंदा जन्नत के अंदर जाएगा, हम अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत में जाने वाले नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि हम हर कोई जन्नत में अल्लाह के फजल से जाएगा, तो ये यहाँ पर भी अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह के तरफ से फजल है और अल्लाह काफ़ी है जानने वाला, यानी जन्नत ऐसी नेमत है कि हमारी पूरे ज़िंदगी की इबादत को अगर हम तोलें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई अदना नेमत का भी वो बदला नहीं है, अदना नेमत, बड़ी नेमतों के बारे में बात नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान बनाया, मुसलमान घर में पैदा किया, हिदायत दिया, कुरान हदीस से जोड़ा, कुरान अता किया, नबी अता किया, ये बड़ी नेमतें हैं, बड़ी नेमतों की बात नहीं। जो अदना नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमें दी गई हैं, अगर पूरी ज़िंदगी की इबादत के बदले बदला ये अदना नेमत नहीं हो सकता, तो ये नेमत की कीमत क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेमतें अल्लाह सुबहान व तआला तुम्हें देता है इसकी कीमत तौहीद है, यानी ये लफ्ज़ नहीं थे,
रसूल अल्लाह के ने ये फरमाया कि इसकी कीमत यह है कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह दो कि अल्लाह तेरे लिए शुक्र है, तेरा शुक्र है, तूने अता किया। यही तोहीद है कि हमने जो नेमतें मिली है उसका क्रेडिट अल्लाह को दिया, उसकी मखलूक को नहीं। कि मैंने अपनी सलाहियत से कमाया हूँ, मैंने अपनी डिग्री से कमाया हूँ, अपनी दुकान से, अपने टैलेंट से, या फला पीर साहब ने दे दिया, या फला बाबा ने, फला ने नहीं, किसी ने नहीं दी। ये नेमत अल्लाह तूने दिया है, ये तो है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा किसी नेमत को पाकर के अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है तो गोया कि उसने उसकी कीमत से ज्यादा अता कर दिया। अल्लाहु अकबर, इस कदर नेमत देकर के हमारा रब हमसे बदले में क्या चाहता है कि हम उसके फर्माबरदार हो जाएं, हम उसके तई या अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए खालिस कर दें कि अल्लाह तूने मुझे ये नेमत अता की है, तेरे अलावा किसी और ने यह नेमत अता की। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं इल्लल्लाह मगर अल्लाह। ये नेमत किसी और ने नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला। तो ये उस नेमत का बदला है। तो जन्नत जो हमेशा हमेश की सुकून और इत्मीनान है, जन्नत जहाँ पे अल्लाह का दीदार है, सिद्दीकीन और शहदा का साथ है, जन्नत वो जहाँ पे जिसके ताल्लुक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना किसी आंख ने देखा है ना किसी दिल के अंदर उसके, ऐसी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। तो ये अल्लाह अपने फजल से अता फरमाएगा, और फजल किसके ऊपर करेगा? आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में अल्लाह तेरी इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक। ऐ अल्लाह, हम तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करते हैं, तेरे नबी की मोहब्बत का सवाल करते हैं, तेरे दीन की मोहब्बत का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, इस दीन पर मोहब्बत के साथ और ख़ुशी के साथ अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर अमल में, वो इबादत हो, अखलाक हो, लेन देन हो, हर जगह, वो शादी ब्याह हो, मौत मैयत हो, रिश्तेदारी निभाना हो, ऐ अल्लाह, तो तेरी और तेरे नबी की इताअत करने की हमें तौफीक। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन।